कोरोना महामारी में देश की बड़ी बड़ी धार्मिक संस्थाएं नैतिक जिम्मेवारी समझते हुए असहाय लोगों की मदद में जुटी हैं। ऐसी स्थिति में जैन समाज पीछे रहे ये तो हो ही नहीं सकता। जैन समाज की राष्ट्रीय सोसाइटी लिगा परिवार भी अपने सदस्यों के साथ पहले दिन से शहर भर के सलम इलाकों में जरूरतमंदों को खाना व राशन उपलब्ध करवा रहे हैं। आइए जाने जैन समाज के प्रतिनिधियों से कि कैसे कर रहे हैं जरूरतमंदों की सेवा। आइए बात करते हैं लिंगा समाज से विपिन जैन जी से। हेलो सर। हाँ जी, हेलो मैम। सर, जैसे कि पूरे संसार पे ये कोरोना वायरस नाम की महामारी मतलब छाई पड़ी है, तो जैन समाज हमेशा लोगों के लिए कुछ ना कुछ करता रहता है, तो आप कोरोना वायरस के टाइम पे लोगों की कैसे मदद कर रहे हैं? मैम, जब से ये लगी हुई है बीमारी, 26 तारीख से हम लोग राशन बांट रहे हैं घर घर जाकर। हमें 450 राशन बांट चुके हैं। हाँ जी। और अभी भी कल भी हम लोग बांट के आए हैं, और 100 राशन हम सीपी के दफ्तर पे भी दे के आए हैं, पुलिस वालों को भी वो खुद जाके बांटेंगे। okay. और बाकी हम लोग लगे हुए हैं, सब जितना भी हो सके हम करेंगे। और किसी को पैसे की मदद चाहिए वो भी कर देते हैं, देख okay. लेते हैं किसी के घर में कोई बीमार है, कोई प्रॉब्लम हाँ वाली हाँ है बात, पहले चेक करके फिर उसको 2000-4000 जितनी जरूरत है उसको कैश भी दे के आते हैं। ताकि okay. इसी तरीके से भी जितना हमारे से हो सकता है हम करेंगे। भगवान ने अगर दिया तो क्यों ना अच्छे कामों में ये पैसा जाए। और ये हमारा ऊपर वाला भी ध्यान ले रहा है, सही काम कर रहे हैं, तो उसी लिए हम कर रहे हैं। okay. तो किसी पे परेशान नहीं कर रहे, तो हाँ सब ऊपर वाले के दिया तो ही कर रहे हैं, अपने यहाँ तो कोई कर नहीं सकता किसी का कुछ भी। okay. तो सर, आप इस मुश्किल घड़ी में लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? ये मिल बांट के दें, जो हम तो सोचते हैं जिसका पैसा है हाँ अगर भगवान ने उसको दिया है तो क्यों ना किसी के काम आए। हाँ अपने घर सारी जिंदगी हम खुद ही खाते हैं, कभी किसी को खिलाते नहीं। अगर मौका लगा ना तो मेरे ये सबको एक प्रेरणा है कि अब जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को योगदान दें, वही आपके काम आने वाली चीज है। क्योंकि ये पुण्य के कार्य है। हाँ जी। पुण्य का कार्य क्या होता है, अगर आप एक बीज डालते हो तो 100 बीज निकलते हैं जमीन से। इसी तरह पुण्य एक करोगे तो हजारों आपको वापस आएंगे। ओके। तो इस हिसाब से भी अगर आप करोगे तो आपको भगवान की बहुत कृपा रहेगी सारी जिंदगी, जैसे हमारे ऊपर है। हाँ जी। आज हम करते हैं तो उसकी कृपा से ही कर रहे हैं। हाँ जी। फिर थोड़ा सा हमें अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है, जी तो ऑर्गेनाइजेशन, उसके बारे में बताइए कि उसका मोटिव क्या है, और आप अभी जैसे कोरोना वायरस पे लोगों की मदद कर रहे हो, उसके अलावा और क्या क्या करते हो जैन सोसाइटी के लिए? मैम, जो जीतो वाले हैं वो भी बहुत अच्छी तरह से लगे हुए हैं, सब बंदे वो भी हमारे साथ कल गए थे। हम लोग इकट्ठे कल दे के आए हैं कि जगह छाट के, जहाँ 350 घर जैनियों का था, वहां से 30-35 बंदों को 5-5 हजार रुपए की राशि नकद दे के आए हैं, ताकि जितना हमसे सहयोग हो सकता है हम लोग कर रहे हैं। ओके। और जीतो वाले भी बहुत बढ़ चढ़ के काम कर रहे हैं इसके ऊपर, कोई दिक्कत वाली बात किसी को नहीं है। तो सर, ये जो जीतो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, उसका मेन मोटिव क्या है? मेन मोटिव यही है, मेन भी अपने जैन जितने भी हैं, हाँ जी, जैन समाज को आगे से आगे लाने के लिए, जैन ओके। समाज का कोई बंदा भी किसी किस्म से भूखा न रहे और ज्यादा से ज्यादा हम लोग उनके काम आ सके। और लोग आ भी रहे हैं काम, कोई सही बात नहीं। ओके सर, सर थैंक यू फॉर द इंटरव्यू। थैंक यू मैम। ओके। वॉच डेली हितेशी, वॉइस ऑफ नेशन।